नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 5/3/2024 को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा CGSET 2024 के आयोजन के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा अर्थात CGSET 2024 की परीक्षा आयोजित होना है, उसके संबंध में संक्षिप्त विज्ञापन और विज्ञापन संलग्न प्रेषित किया गया है। और साथ ही कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें इसे छपवाने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन, इसमें बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, किंतु जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं अर्थात भारत के किसी भी अन्य राज्य से हैं, वो परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें ₹700 फीस देना होगा। अर्थात कोई भी अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं वो भी परीक्षा दिला सकते हैं। परीक्षा जो है 7/7/2024 दिन रविवार को आयोजित हो सकता है। अंतिम तिथि 9/6/2024 को है फॉर्म भरने की, और ये है विज्ञापन। साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 13/5/2024 सोमवार से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2024 दिन रविवार तक। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा शुल्क छत्तीसगढ़ के लिए तो फ्री है, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए तो फ्री है, लेकिन कौन? साथियों, छत्तीसगढ़ के बाहर से जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए शुल्क है निर्धारित किया गया है ₹700, उन्हें ₹700 देना होगा। परीक्षा की जो संभावित तिथि है 7/7/2024 दिन रविवार को आयोजित किया जा सकता है। इसमें दो पेपर होता है साथियों। पहला पेपर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें तार्किक क्षमता, रीजनिंग और शिक्षण जो विधि है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर टू आपका विषय होगा जो 11:30 से 1:30 बजे तक आयोजित होगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र 8 जिला मुख्यालयों को बनाया गया है, जिसमें अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर। साथियों, यदि अभ्यर्थी की संख्या बढ़ जाती है तो परीक्षा केंद्र बदले भी जा सकते हैं, कई बार हो चुका है। इसमें परीक्षा शुल्क संबंधी यहां पर जानकारी दी गई है कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, फ्री है, लेकिन जो अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से हैं और पेपर दिलाना चाहते हैं तो उन्हें ₹700 देना होगा। पात्रता की शर्तें, सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष हैं PG, उसमें न्यूनतम आपको 55% अंक अर्जित करने होंगे। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रिमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, निःशक्त जन हैं, उनके लिए 50% अंक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें छूट भी दिया गया है, छूट के संबंध में जानकारी आपको दे दी गई है कि सामान्य के लिए 55 और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। जो भी विवाद की स्थिति होगी तो UGC के जो नियम हैं उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसमें परीक्षा के विषय हैं, पहला पेपर मैंने बता दिया है, दूसरा पेपर आपका विषय होगा। अब इसमें कौन कौन से विषय हैं उसे आप देख सकते हैं। 19 विषय हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। तो कुल 19 विषय हैं। होम साइंस 19 में है, देख सकते हैं। अब परीक्षा की पद्धति पता है, पेपर 1 में 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे। पेपर 2 विषय आधारित होंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक के, मतलब एक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा, और सभी जो है बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब परीक्षा
की जो चयन प्रक्रिया है आपको बताया गया है कि कैसे इसके मापदंड होंगे। तो यहाँ पर लिखा है टॉप 6% ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स। चलो हिंदी में बता देता हूँ कि जितने अभ्यर्थी उस विषय में बैठेंगे, अपीयर होंगे, उसका 6% अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। और वो 6% अभ्यर्थी कौन होंगे, जो पेपर वन और पेपर टू में दोनों में एटलीस्ट, मतलब कम से कम मिनिमम 40% अंक प्राप्त किए होंगे। मतलब 100 अभ्यर्थी हिंदी विषय में बैठे हैं तो उसमें केवल 6 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड माना जाएगा, जो पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलाकर 40% अंक प्राप्त किए होंगे। रिजर्व कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी को मिनिमम कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि जितने अभ्यर्थी अपीयर होंगे उसके 6% अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड माना जाएगा, जो मिनिमम 40% अंक अर्जित करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा के निर्देश दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। साथियों, इसका नोटिफिकेशन अभी व्यापम के वेबसाइट में नहीं आया होगा, क्योंकि ये विज्ञापन जारी करने संबंध में है। कुछ दिनों में आपको इसकी पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो साथियों, यदि आप सेट की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने अभ्यर्थी इस बार सेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। अपना नाम, विषय आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन में डाला हुआ है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पश्चात सेट परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक की भर्ती होनी है, तो उसका भी क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, सीजी सेट का ओल्ड वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, आपको वहाँ से अनुभव मिलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अभी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।